हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 12th क्लास के अंदर हम लोग जीवांश पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे और जीवांश पदार्थ जो है वो हमने पढ़ लिया कि कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें हमने ह्यूमस पढ़ लिया, मृदा के बारे में पढ़ लिया और लास्ट वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। तो कुछ और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृदा के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीवों से पहले मैं आपको एक प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। जो केमिकल प्रोसेस है मृदा में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये क्या होता है और कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपना योगदान देते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल जो है उसमें कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है। सभी बच्चों को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, और वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो पादपों तक, पौधों तक कैसे पहुंचती है, इस प्रक्रिया को ही स्थिरीकरण कहा जाता है। देखो स्थिरीकरण क्या होगा, परिभाषा देखिए कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा स्वयं ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा स्वयं ग्रहण करके पौधों या मृदा को उपलब्ध करवाना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो दो प्रकार से होता है। स्थिरीकरण दो प्रकार से, पहला इसके अंदर जो है वो है सहजीवी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें देखिए हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहजीवी नाइट्रोजनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसमें देखिए कि जो ये प्रकार है स्थिरीकरण का, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को बदलने वाले जो जीवाणु है उनका और पौधों का आपस में सहजीवन पाया जाता है। सहजीवन का मतलब यह है कि जीवाणुओं से पौधों को लाभ प्राप्त होता है और पौधों से जीवाणुओं को लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का यह संबंध है और इस संबंध के कारण ही इसको हम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन जो जीवाणु है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए क्या होगा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। सबसे पहले तो अपने को ये बताओ कि ये जो है जो फलीदार पौधे होते हैं ना उनमें पाया जाता है। अधिकांश फलीदार जो पौधे उनमें पाया जाता है। अब फली वाले जो पौधे हैं मोस्टली उसमें दालें आ जाती हैं या कुछ और भी प्रकार है, जैसे इसमें देखो सनई, उदाहरण में बता रहा हूं सनई, मटर, बरसीम, बरसीम, ठीक है, इसके अलावा मूंग दाल, चना, अरहर, ये सारे के सारे
सारे जो पादप हैं कौन से हैं? फलीदार पौधे हैं ये। तो इन इनकी पौधों की जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों में या गांठों में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों में ही क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बैक्टीरिया आपने सपने पढ़ा हुआ है कि मटर की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम, है ना, तो वही वाले हिंसा है। तो ग्रंथियों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? बैक्टीरियों का काम क्या होता है? पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट किसका काम है? बैक्टीरिया का। लेते हैं, ठीक है, पौधों से तो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और उसके बदले में पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। तो आदान प्रदान होता है, कार्बोहाइड्रेट तो उससे ले लेते हैं पौधों से, और नाइट्रोजन उनको दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बदले एक वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब ये सहजीवन है, सहजीवन, ठीक है। ये संबंध जो है, इस संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो है, उन बैक्टीरिया को ही सहजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, सहजीवी बैक्टीरिया। और इस प्रकार का जो स्थिरीकरण होगा नाइट्रोजन का, उसको हम क्या कहेंगे? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्लियर है? इसमें देखो एग्जांपल बैक्टीरिया का कौन सा, सारे जानते हैं, राइजोबियम, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, राइजोबियम, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जांपल है। तो ये सारे के सारे सहजीवी के बारे में हो गया। अब देखिए कि जो ग्रंथि है, किसी भी फलीदार पौधे की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि मटर की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, तो वो ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, जो N2 के स्थिरक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को जो स्थिरीकृत करते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो है पादप की जड़ों में पाए जाते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है, जड़ों में पाए जाते हैं। और जड़ों में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया है, एक संक्रमण नलिका का निर्माण करते हैं भाई, ठीक है, संक्रमण नलिका, वो जड़ों में ही इसका निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। ये संक्रमण नलिका है, ये क्या करती है? आगे जाके मूल रोम, वनस्पति शास्त्र में आप पढ़ोगे, मूल रोम तथा कॉन्टेक्स तक पहुंचती है, ठीक है, कॉन्टेक्स तक पहुंचती है जो संक्रमण नलिका है, कॉन्टेक्स तक पहुंचती है, और इस कॉन्टेक्स के कोशिका विभाजन का मतलब यह है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और उन कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? यहां पर एक ग्रंथि का निर्माण होता है, गांठ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और उस ग्रंथि के अंदर ही कौन फिर निवास करने लगते हैं? बैक्टीरिया जो है वो निवास करने लगते हैं, और वो ग्रंथि ही आगे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फिर सहायक सिद्ध होती है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं राइजोबियम के बारे में, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है वो सहायक होते हैं। राइजोबियम, ये मैं सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ रा, ठीक है, और थोड़े से इंग्लिश में आप नाम है ये आपको याद कर रहे हैं, राइजोबियम ट्राइफोली, ठीक है, ट्राइफोली, राइजोबियम
लेग्यूमिनोरस, लेग्यूमिनोरस कौन सा? लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है, जो मटर की जड़ों में पाया जाता है वो यही वाला है लेग्यूमिनोरस। ठीक है, राइजोबियम, इसके अलावा है लोबिया, लोबिया भी एक जो है फलीदार पादप है। ठीक है, राइजोबियम, लुपिनी, लुपिनी, ये सारे के सारे जो है इसके एग्जाम्पल होंगे राइजोबियम की प्रजाति की। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं एसआईजीवी बैक्टीरिया के बारे में कि एसआईजीवी बैक्टीरिया जो है वो कौन से होते हैं। यहां हम लिख देते हैं एसआईजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो एसआईजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बैक्टीरिया भाग लेंगे उन्हें को हम क्या कहेंगे, एसआईजीवी नाइट्रोजन बैक्टीरिया या एसआईजीवी बैक्टीरिया। तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, जैसे वो जो थे सहजीवी बैक्टीरिया जो थे वो इसमें पाए जाते हैं फली वाली फसलों के अंदर, लेकिन जो असहजीवी बैक्टीरिया है वो अनाज, अनाजों में पाए जाते हैं। ठीक है, अनाज ऐसे लिख देते हैं, अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में। तो अनाज वाली फसलें कौन सी होगी, गेहूं, जौ, ज्वार, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का। ठीक है, ये सारे के सारे कौन आ गए, अनाज आ गए। बाजरा होगी तो इसमें बाजरा भी आ जाएगा, बाजरा। ठीक है भाई, अब ये जीवाणु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले जो होते हैं वातजीवी, वातजीवी, वातजीवी जीवाणु, इनको हम बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ये पूरी प्रजाति है और इसमें आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे इसके एजोटोबैक्टर के। तो एजोटोबैक्टर, तो इसमें देखो कि नाइट्रोजन से इनका मुख्य काम क्या होता है, नाइट्रोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, उसमें तो क्या था कि नाइट्रोजन पादपों से कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कर लेते हैं और फिर बदले में नाइट्रोजन दे देते हैं हमको। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं और फिर इनके जो मृत शरीर है, इनके मृत शरीर से मृदा को एंजो प्राप्त होती है। ठीक है, ये इनका तरीका है नाइट्रोजन को बदलने का, यानी कि पादपों से आदान प्रदान नहीं हुआ किसी का, खुद ने नाइट्रोजन वातावरण से ग्रहण की और उस नाइट्रोजन को फिर इनके शरीर, इनका जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत शरीर में से फिर वो नाइट्रोजन मृदा में जाती है और मृदा से फिर वो पौधों के अंदर जाती है। ठीक है भाई, उदाहरण देखो इनके एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, क्रोकोकम। ठीक है, एजोटोबैक्टर एजिलस, एजोटोबैक्टर एजिलस, एजिलस। फिर एजोटोबैक्टर इंडिकम, इंडिकम, ये इसके एग्जांपल है। फिर देखो भाई, ये तो हो गया वातजीवी, अब दूसरे प्रकार के जो है उनको बोला जाता है अवातजीवी। अवातजीवी का मतलब कि अनैरोबिक, सेकंड टाइप जो है, फर्स्ट तो हो गए ना वातजीवी प्रकार के और दूसरे हैं अवातजीवी। ठीक, अवातजीवी जो है वो क्या है, वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
ठीक है, वायु की उपस्थिति के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। स्थिरीकरण का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं, यौगिक में बदल देते हैं। ठीक, नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं। उदाहरण भी इसका भी आपको पता है, एवाजीवी का आपने नाम सुना होगा, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम। और एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर इसका नाम है, क्लॉस्ट्रिडियम पास्टुरियनम। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि एसएनजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो अनाज वाली फसलों में ये जीवाणु पाए जाते हैं। अनाज वाली फसलें गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा हो गई हैं। दो प्रकार के ये जीवाणु होते हैं, एक वातजीवी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं और मृत शरीर जो है उनका वो फिर पादपों को आगे नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। और अवातजीवी, इसमें एलोटोबैक्टर के एग्जांपल आ जाएंगे, अवातजीवी वो है जो वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं या उसका स्थिरीकरण कर देते हैं। और इसका एक उदाहरण आपको याद रख लेना है, क्लॉस्ट्रिडियम पास्टुरियनम। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका आज का जो ये टॉपिक भी खत्म हो गया और ये आपका लेसन भी खत्म हो गया जीवाश्म पदार्थ का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे।